कोई स्पीकर बोले मेरी आपसे आग्रह है कि हम एक मिशन को लेकर जो यहाँ आए हैं उसकी बात सुने। आज आपके इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए और भी बहुत से कलाकार हैं, उन्हें भी अवसर देंगे। हम दुष्यंत जी को सुनने आए हैं, मगर तब तक आपसे मेरा आग्रह है शांति का दान दें और सब मिलजुल करके नशे के खिलाफ इस अभियान को कामयाब करें। अरण्या के बाद आपकी एडमिट कर रहा हूँ उसको रोकने का काम है। धन्यवाद। देखिए आपके काम की बात है, मैं चाहूँगा कि आप दो मिनट बात करें। हम पिछले 15 सालों से जिसके मुख्य लोगों के लिए कहता हूँ कि आप उस पहले जानलेवा ग्रुप को ना देंगे। पीयर ग्रुप प्रेशर में दूसरों के प्रेशर में आगे कभी भी कोई गलत फैसला ना उठाए, और यदि आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, ये भी डायबिटीज की तरह एक बीमारी है। आप इसके लिए मदद मांगे, आप अपने परिवार वालों से बात करें। ये जो हमारी एनजीओ शरारत बहुत ऐसी हो लगा के आग पानी में, शरारत बहुत ऐसी हो मिटा के हस्ती जुलूम की बगावत बहुत ऐसी हो, क्योंकि युवा साथी बैठे है तो मैं युवाओं की बात करना चाहूंगा और मैं सबसे बड़ा फैन हूं तो युवाओं का फैन है। युवा से उगलते तो अंगार उगलते हैं, युवा जब बदलते हैं तो तूफान बदलते हैं। इस देश को बदलना है तो युवाओं को बदलना है, युवा जब बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे आदर्श हमारे भोजवार भाई दुष्यंत चौटाला जी, भाई इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी, सभी पदाधिकारी साथी, मेरे नौजवान साथियों, इनसो के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा परंतु कुछ चंद मिनटों में ही आपसे जरूर मौजूदा हालात पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। आज इस देश के हालात ऐसे हैं कि वो इमरजेंसी का वो समय याद दिलाता है जब इस देश में तानाशाह लोग युवाओं उनकी आवाज को कुचलने का काम करते थे, परंतु जिम्मेवारी सबसे ज्यादा तो युवाओं की जिम्मेवारी है। और युवा आप क्लास करोगे तो शिक्षण संस्थाओं में नजर आएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में नजर आएंगे। 18 से 28 साल का युवा अगर आप कदम घुमा कर देखो तो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, आईटीआई में, शिक्षण संस्थाओं में नजर आएगा। युवाओं ने देश की तानाशाह सरकारों ने केवल झुकाने का काम किया है, बल्कि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन याद दिलाना चाहता हूँ, जब पटना विश्वविद्यालय से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 83 साल के जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में बैठी कांग्रेस पार्टी की तानाशाह सरकार को झुका कर दिया था। आज इस प्रदेश के हालात साधु ऐसे है, उन्हें केवल प्रदेश के देश के हालात ऐसे है। भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है गाय का, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आने से पहले क्या हम गाय का सम्मान नहीं करते थे? हम तो उस प्रदेश के वासी हैं जहाँ पर घर में पहली गोटी गाय के लिए निकाली जाती है। ये नारा देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मैं तो उस प्रदेश के वासी हैं जहाँ हमारी बहन बेटियों ने न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। चौता से लेकर जो प्लेन हाईजैक का वो दवा के याद दिलाना चाहता हूँ, जो प्लेन हाईजैक हुआ था तो आते
युवाओं के बाहर छोड़कर आए थे। ये राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, राष्ट्रवादी है वो राष्ट्रवाद का सबसे ज्यादा अगर खून सबसे ज्यादा लहू अगर किसी के लोगों में दौड़ता है तो जो हम साथियों के हरियाणा प्रदेश के वासियों के लोगों में होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि तलवारों के साए में जवानी पड़ती है, इतिहास उस तरफ चलता है जिस तरफ जवानी चलती है। तो साथियों मैं तो आपसे इतना कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की आवाज बुलंद करने के लिए चौधरी देवीलाल जी के सपनों का हरियाणा बनाने के लिए भाई दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जी के कार्यकर्ता बनकर नहीं, उसके भाई बनकर, उसकी परछाई बनकर, उसकी ताकत बनकर, उसके कंधे बनकर हरियाणा प्रदेश के अधिकारों लड़ाई का साथ दो, सहयोग दो, समर्थन दो। वो समय दूर नहीं होगा जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की तरह आप लोग एक मुहिम चलाएंगे और वो मुहिम हमेशा के इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि जब युवाओं ने जब जब किसी जिम्मेवारी को अपने कंधों पर लिया है तो उसको निभाने का काम किया है। मैं एक बार जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रदीप जयसवाल जी।